वेलकम टू अवर जियोलॉजिकल जोन। देखो क्या है, कई प्रकार के टॉपिक हमने एक्सप्लेन किए और आज हम बात करने वाले हैं टर्मिनोलॉजीज ऑफ फॉल्ट पे, बराबर? ठीक है, मुस्कुराओ थोड़ा सा। टर्मिनोलॉजीज ऑफ फॉल्ट की अगर हम बात करें, जैसे कि हमने फॉल्ट की बात करें तो उसी प्रकार से फॉल्ट की बात करें, काफी आसान है। लेकिन क्या है, ऐसी खतरनाक खतरनाक डायग्राम दिखने के बाद अपने को ऐसा लगता है ये क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, एकदम आसान है। सो टर्मिनोलॉजीज ऑफ फॉल्ट को पढ़ने से पहले उसकी डेफिनेशन को समझना जरूरी है, बराबर? ठीक। फॉल्ट की डेफिनेशन में सबसे डायग्नोस्टिक वर्ड होता है जो इंपॉर्टेंट है, वो है रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट। मतलब दो ब्लॉक है, एक डिस्प्लेस हो जाएगा, देयर इज अ डिस्प्लेसमेंट, कॉल्ड इट्स अ फॉल्ट। तो इसको इंग्लिश में कैसा बोले सर, हार्ड होता है, होता है, कोई दिक्कत नहीं है। द फ्रैक्चर अलॉन्ग विथ स्मूथ प्लेन वी कॉल्ड इट्स अ क्लीवेज। फ्रैक्चर अलॉन्ग विथ स्मूथ प्लेन वी कॉल्ड इट्स अ क्लीवेज, बट फ्रैक्चर अलॉन्ग विथ देयर हैज बीन रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट टेक्स प्लेस ऑन ए ब्लॉक्स वी कॉल्ड इट्स अ फॉल्ट। शब्द क्या आया? फॉल्ट, फॉल्ट। लेकिन उसमें डायग्नोस्टिक वर्ड क्या आया? रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, बराबर? भाई ऑटोमेटिक हो जाता है ये डिस्प्लेसमेंट? नहीं, देर आर लॉट्स ऑफ रीजंस बिहाइंड दैट। कॉम्प्रेशनल फोर्सेस, टेंशनल फोर्सेस, शियरिंग फोर्सेस एंड टेक्टोनिक डिस्टर्बेंसेस, राइट? ओके, अब ये तीन डायग्राम अपने को दिख रही है, काफी आसान है। हम क्या करेंगे, पार्ट में चलेंगे, पार्ट में धीरे 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 समझेंगे चीजों को, बराबर? ठीक है, फिगर ए शो कर रहा है फ्रैक्चर इन ब्लॉक्स। भाई दो चीजें हैं जिसमें दरार आ गई, कई चीजों में दरार आती है आजकल, बराबर ना रोशन? ठीक, रोशन को यूट्यूब पे फेमस करेंगे। ठीक, दो चीजों में जब दरार आती है तो दरार आने के बाद में ब्लास्ट होता है, दरार आना जरूरी है। तो फ्रैक्चर क्या है? ये दरार है। मैं फील्ड पे गया और फील्ड पे जाने के बाद में दशरथ मान जी तोड़ना शुरू कर दिया, दरार आ गई, आर्टिफिशियल मैनमेड हो गया। नेचुरली दरार आनी चाहिए, कैसी? नेचुरली। तो ये दरार आ गई। अब ये दरार ये शो कर रही है कि दो चीजें एक थी लेकिन अब अलग हो सकती, क्योंकि कारण है, कारण है फ्रैक्चर। फ्रैक्चर आया, टेंशनल फोर्सेस एक्ट हुए या कॉम्प्रेशनल फोर्सेस एक्ट हुए, तो ये दो मीडियम, दो ब्लॉक्स एकमेक की ओर आकर्षित होंगे या तो फिर एकमेक से दूर जाएंगे। आकर्षित तभी होंगे जब कॉम्प्रेशनल फोर्स एक्ट होगा, और टेंशनल फोर्स अगर एक्ट होता है तो एकमेक से दूर होंगे, लेकिन फॉल्ट तो बनेगा। फिगर नंबर सेकंड क्या बोल रही है उसको देखो, फिगर नंबर बी, सेपरेशन ऑफ ब्लॉक्स, बराबर? ब्लॉक वन, ब्लॉक टू, क्यों हुआ? जस्ट बिकॉज ऑफ फ्रैक्चर। सर वो फ्रैक्चर इधर दिख नहीं रही, वो फ्रैक्चर पे ही तो ये कार्यक्रम हुआ, दिख रहा है ये फॉल्ट प्लेन डिस्प्लेसमेंट, तो यहां डिस्प्लेसमेंट हुआ, बराबर? ठीक है, ये सिंगल ब्लॉक का क्या इस्तेमाल है सर? सिंगल ब्लॉक क्यों लिया आपने? भाई मैंने बताया कि ये एक साथ रहने वाले लोग थे जो फ्रैक्चर दरार आने के बाद अलग अलग हो गए, तो एक फैमिली अलग और दूसरी फैमिली अलग, तो एक फैमिली का उदाहरण दिया कि एक फैमिली ऐसे सेपरेट हो गई, समझ में आ गई ये बात? ठीक है, अब बात करेंगे टर्मिनोलॉजीज ऑफ फॉल्ट की सेपरेट फिगर में। ओके, ठीक, ठीक है, तो हमने देखा कि दरार आ गई थी, बराबर, दो ब्लॉक आ गए थे। अब दो ब्लॉक अपने को बताना था एक डायग्राम में, जो आप यहां पे क्लियरली देख रहे हो, फिगर टर्मिनोलॉजीज ऑफ फॉल्ट। तो पहले हमने क्या किया था, फ्रैक्चर बताया है ना स्पेसिफिकली, अब हमने क्या किया, दो ब्लॉक को सेपरेट कर दिया। मतलब दरार आई तो दो लोग अलग हो गए, अलग हो गए तो उन्होंने अलग रहना चाहिए, अलग अलग पोजीशंस होनी चाहिए, बराबर? अब आप यहां क्लियरली देख रहे हैं कि भैया दो पोजीशन हो गई, ब्लॉक नंबर वन, ब्लॉक नंबर टू। कभी कभी क्या होता कि ये फॉल्ट को देख के अपन ही फॉल्ट में आ जाते, फॉल्ट हमको ही फॉल्ट आ गया, क्योंकि ये डायग्राम इधर उधर सरकती ना, वैसे ही अपना दिमाग सरकता, काय सुरू है, काय शिकवतात, स्वतःला स्वतःला समजते, स्वतःला स्वतः समजते। आपको भी समझ में आ रहा होगा कि ये दो ब्लॉक सेपरेट हो गए, दरार आई तो सेपरेट हो गए, चलो ठीक है, इसको सेपरेशन में बता दिया।
अब कभी कभी क्या होता है कि जो फॉल्ट प्लेन है, दिस इज अवर फॉल्ट प्लेन, राइट, दिस इज अवर फॉल्ट प्लेन, तो कभी कभी क्या होता है कंफ्यूजन ये होता कि वेयर इज द हैंगिंग वॉल एंड वेयर इज द फुट वॉल। तो सीधी सीधी बात है, पैर हमारा नीचे होता है तो फुटवॉल नीचे होना चाहिए, ये बड़ा कंफ्यूजन है। हमेशा ऐसा नहीं होगा कि फुटवॉल नीचे होगा, फुटवॉल डिसाइड होता है फॉल्ट प्लेन के नीचे जो है वो फुटवॉल है। समझ में आ रही है बात? दिस इज अवर फॉल्ट प्लेन, तो ये फॉल्ट प्लेन के नीचे, ये ऊपर है, ये फॉल्ट प्लेन के ऊपर है, ये ऐसा ऊपर गया है मतलब ऊपर नहीं है, फॉल्ट प्लेन है और फॉल्ट प्लेन के ऊपर जो है वो हैंगिंग वॉल है, फॉल्ट प्लेन के ऊपर जो है वो हैंगिंग वॉल है और फॉल्ट प्लेन के नीचे जो है वो फुट वॉल है। मतलब दिस इज अवर फॉल्ट प्लेन, तो फॉल्ट प्लेन के नीचे कौन है, ये वाला एरिया, और फॉल्ट प्लेन के ऊपर कौन है, ये वाला एरिया। समझ में आ गई बात? फॉल्ट प्लेन के नीचे और फॉल्ट प्लेन के ऊपर। मैं आपको बताऊंगा कैसे। पहली टर्मिनोलॉजी हमारी फॉल्ट प्लेन, जो कि एक फ्रैक्चर था जहां से फॉल्ट प्लेन क्रिएट हुआ, बराबर, एक फ्रैक्चर था जहां से फॉल्ट प्लेन हमको यहां पे देखने को मिला, दिस इज अवर फॉल्ट प्लेन। तो फॉल्ट प्लेन एक डिस्प्लेसमेंट है, सिंपली फॉल्ट प्लेन एक्ट एज ए डिस्प्लेसमेंट, कहां से डिस्प्लेसमेंट हुआ। फॉर एग्जाम्पल, थोड़ा सा अपने को समझना पड़ेगा, बराबर, अब ये दोनों ब्लॉक अलग अलग है, ठीक है, ये मत समझना कि भाई ये जो ब्लॉक है ये सिमिलर है, डिसिमिलर भी हो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, दोनों बेचारे अपनी जगह पे स्थित हैं, कोई दिक्कत तो हुआ नहीं, लेकिन दिक्कत कब होगा, जब फॉल्ट प्लेन से कोई एक्टिविटी होगा और एक ब्लॉक नीचे चला जाएगा तो ऑटोमेटिक दूसरा ऊपर दिखेगा, तो ये ब्लॉक चला गया नीचे, ये ब्लॉक चला गया नीचे, अब ये नीचे चला गया तो बीच में फॉल्ट प्लेन है, तो ये नीचे भले ही गया होगा लेकिन ये फॉल्ट प्लेन के ऊपर है, दिस इज ऑन फॉल्ट प्लेन, ये फॉल्ट प्लेन के ऊपर है और ये फॉल्ट प्लेन के नीचे, तो ये फुटवॉल और ये हैंगिंग वॉल। समझ में आ गई बात? ये फॉल्ट प्लेन के ऊपर वाला हैंगिंग वॉल और नीचे वाला फुटवॉल। समझ में आ गई बात? अब मान लीजिए इसी केस को मैं क्या करता हूं, इसको ऊपर ले लेता हूं, अब फुटवॉल हैंगिंग वॉल, आधी बात समझ में, ऊपर वाला हैंगिंग वॉल, आप समझेंगे फॉल्ट प्लेन होना जरूरी है जो डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, तो एक वॉल हैंगिंग बन गया और दूसरा फुट वॉल। अब भाई सोच तो हमारी यही हो सकती कि जो फुट वॉल है वो नीचे होना चाहिए, भाई ऐसा जरूरी थोड़ी है, फुट वॉल नीचे होना चाहिए ये जरूरी नहीं है, या फुट वॉल दिख रहा ऊपर लेकिन है फॉल्ट प्लेन के नीचे, है फॉल्ट प्लेन के नीचे, दैट्स व्हाई वी कॉल इट्स अ फुट वॉल। ओके, ठीक है। अब यहां पे दो टर्मिनोलॉजी है, स्ट्राइक और डिप। इसके पहले मैंने आपको बताया था स्ट्राइक क्या होता है, डिप क्या होता है। इसके केस में ऐसा स्ट्राइक नहीं आएगा, हम फॉल्ट को इमेजिन कर रहे हैं, फॉल्ट प्लेन को इस डायरेक्शन में, तो हमारा जो स्ट्राइक आएगा वो ऐसा आएगा, दिस इज अवर स्ट्राइक, हमारा जो स्ट्राइक है वो ऐसा है, ये क्या हो गया हमारा स्ट्राइक, और उसी के इंक्लिनेशन में हमको मिल गया डिप, दिस इज अवर स्ट्राइक एंड दिस इज अवर डिप, बराबर, ठीक है। अब देखेंगे कि स्ट्राइक स्लिप और डीप स्लिप क्या होता है, स्ट्राइक स्लिप एंड डीप स्लिप एकदम सिंपल है, कुछ भी हार्ड नहीं है, वापस से मैं इनको ब्लॉक बनाता हूं और ब्लॉक को कंसिडर करते हैं, कुछ नहीं है, इस प्रकार का एक हमारे पास में एक डायग्राम है, ठीक है, इस प्रकार का, तो इस प्रकार का भी बता सकते, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये ऐसा स्लिप हुआ तो ये किसके डायरेक्शन में स्लिप हुआ, देखो डीप के डायरेक्शन में स्लिप हो गया, यहां से नीचे जाना बोले तो डीप के डायरेक्शन में नीचे खसा गया, तो ये हो गया डीप स्लिप, बराबर। और यही अगर स्ट्राइक के अलाउंग खिसका, स्ट्राइक के अलाउंग खिसका, तो क्या हुआ, स्ट्राइक स्लिप, डीप के अलाउंग खिसका, डीप स्लिप। आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके, अब ये दो चीजें तो अपन ने समझ लिया, स्ट्राइक स्लिप और डीप स्लीप, दैट टोटली रिलेट टू द स्ट्राइक एंड द डीप डायरेक्शंस। अब क्या हुआ, डीप स्लीप भी बता दिया, स्ट्राइक स्लीप भी बता दिया, फॉल्ट प्लेन भी बता दिया, डीप भी बता दिया और स्ट्राइक भी बता दिया, फुट वॉल भी बता दिया और हैंगिंग वॉल भी बता दिया। अब है इसमें कंसेप्ट नेट स्लीप का, क्या कंसेप्ट है, नेट स्लीप। तो स्ट्राइक स्लीप, डीप स्लीप, द
दैट कम्स अंडर नेट स्लीप. तो नेट स्लीप क्या है? ये जो डिस्टेंस आप देख रहे हो, दिस इज अवर नेट स्लीप. दिस इज अवर नेट स्लीप. ये यहां से यहां तक के नीचे गया, तो ये पूरा जो एरिया बन जाएगा नेट स्लीप का सिंपली. अब आप देख रहे हो कि यहां पे जो नीचे वाली डायग्राम है, ये क्यों निकाला सर, डबल डबल क्यों निकाला? तो डबल डबल निकालने की इच्छा थी इसलिए निकाला. ऐसा नहीं होता. इस डायग्राम का अलग महत्व है और इस डायग्राम का अलग महत्व है. जिसका दिमाग ज्यादा चलता नहीं वो इसके बारे में बहुत अच्छी तरीके से सोच सकता कि सीधा सीधा हैंगिंग वॉल, सीधा सीधा फुट वॉल, बात खत्म. यहां पे भी वैसा ही मैंने निकाला जैसा ऊपर निकाला था. यहां फुट वॉल ऊपर है, फुट वॉल की पोजीशन ऊपर है. इसका मतलब फुट वॉल ऊपर है, फुट वॉल की पोजीशन ऊपर है, तो ये फुट वॉल नहीं है क्या? है. क्यों फुट वॉल है? भले ही ये ऊपर है लेकिन फॉल्ट प्लेन के नीचे. अभी बात समझ में आ गई? ये हमारा फॉल्ट प्लेन है ना, दिस इज अवर फॉल्ट प्लेन. तो ये फॉल्ट प्लेन के नीचे जो है वो फुट वॉल है. अभी बात समझ में आ रही? फॉल्ट प्लेन के नीचे. अभी भी कंफ्यूजन है क्या? दिमाग खराब हो रहा क्या? होना ही नहीं चाहिए बेटा. ये फ्रैक्चर जो है ना हमारा डिस्प्लेसमेंट, इसके नीचे है ना ये फुट वॉल, समझा क्या? और ये हैंगिंग वॉल इसके ऊपर है ना. भले इसकी पोजीशन ऊपर नहीं है लेकिन ये है फॉल्ट प्लेन के ऊपर. हैंगिंग वॉल, फुट वॉल, डोक्याला हाथ लाऊ नहीं, सिंपल है, फोकस इधर, समझा गया नहीं? यस सर. यार तुम्हारा कॉन्फिडेंस ही बहुत लो है. हाँ सर. अरे भाई मेरे, ये फॉल्ट प्लेन है ना. Yes. फॉल्ट प्लेन के नीचे क्या है? फुट वॉल. पोजीशन ऊपर है लेकिन है कहां पे एक्चुअल में? नीचे दब गया, सीधा सीधा जा तिकडे. आणि आपल्याला हैंगिंग वॉल वर दिसतोय, समजलं का तुम्हाला? हां सर. हैंगिंग वॉल, फुट वॉल. अब यहां पे जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट बनता है, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट वी कॉल इट्स थ्रू. यहां पे भी दिख रहा? हां सर. दो वॉल के बीच में वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट थ्रू. एंड होराइजेंटल डिस्प्लेसमेंट वी कॉल इट्स ह्यू. ह्यू एच फॉर होराइजेंटल, एच फॉर ह्यू, टी फॉर वर्टिकल. नो, दिस इज ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग. एच फॉर ह्यू, एच फॉर होराइजेंटल, वी फॉर वर्टिकल. ये ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा अपने कि भैया ह्यू अगर होराइजेंटल है तो बच्चा पूछा वर्टिकल है, तो बच्चा पूछा कौन है? थ्रो. अपन कभी ही थ्रो असा मारत नहीं. मारतो का? नहीं. थ्रो मारा जाता एकदम इस प्रकार से, बराबर. थ्रो अंडरस्टैंड कर लो, इतना अच्छा नहीं था लेकिन कर लो, कोई बात. अब हेड, सबको हेड है, इसको भी हेड होना चाहिए, बराबर. तो हेड आपको दिख रहा है, दिस इज द एंगल, वर्टिकल एंगल फ्रॉम थ्रो. ये थ्रो जो है इसका एक वर्टिकल एंगल बना जिसको हमने डिस्प्लेसमेंट के साथ में कनेक्ट किया और एक एंगल निकाला जो बन गया हमारा हेड. इसके केस में वो एंगल आपको कैसा दिख रहा है? थ्रो से अगर इधर देख रहे हो आप तो ये थ्रो के रिस्पेक्ट में 90 दिख रहा है, थ्रो के रिस्पेक्ट में 90 दिख रहा है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट का अगर देखे तो चेंज हुआ, ठीक है. सो दिस इज अवर ह्यू, दिस इज अवर थ्रो, एंड दिस इज अवर हेड. भाई हेड भी हो गया मजाक मजाक में, थ्रो भी हो गया, ह्यू भी हो गया, फुट वॉल भी हो गया, हैंगिंग वॉल भी हो गया, स्ट्राइक भी हो गया, डीप भी हो गया, स्ट्राइक स्लिप भी हो गया, डीप स्लिप भी हो गया, नेट स्लिप भी हो गया. बचा क्या? बचा कुछ भी नहीं. बचा एक ही, वो था सैटिस्फैक्शन. यू आर सैटिस्फाइड और नॉट? यस सर. यू आर नहीं, आर यू सैटिस्फाइड? यस सर. समझ में आएगा बेटा रोशन? ठीक. तो यहां पे जो हमारे मूवमेंट्स बने ये काफी आसान बने क्योंकि हमारा डायग्राम अच्छा था. आप डायग्राम थोड़ा सा खिचड़ी के जैसा निकाल दे, इधर उधर कर दे, तो स्ट्राइक स्लिप भी समझ में ना आए, डीप स्लिप भी समझ में ना आए, और हमारा जो फॉल्ट माइंड में है वो फॉल्ट ऑलवेज वैसा ना वैसा रहे. इस प्रकार के वीडियो के लिए चैनल को तो सब्सक्राइब करना पड़ेगा बॉस. जी सर. आपने तो कर लिए ना, बाकियों ने भी तो करना चाहिए, ठीक है. तो इस प्रकार के वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो. मेरा नाम है कार्तिक तिवारी, बराबर.
सब जानती होंगे। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो नाम बदलेगा, नाम नहीं बदलेगा लेकिन काम जरूर बदलेगा। थैंक्स अ लॉट।